जी नमस्कार। वैसे तो ये वीडियो सबको देखना चाहिए, पर जिस टाइप का क्राउड मेरे चैनल पे है उनको तो 100% देखना चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो आरटीयू एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जॉब भी कर रहे होंगे, चाहे वो गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, ढेर सारे स्टेट से हैं जो बच्चे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उनको तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो पर्सपेक्टिव नजर आएगा जो जनरली कैमरे में नजर नहीं आता है। पर्सपेक्टिव दिखाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो देखिए आप। अब आपने ये जो वीडियो देखा ना, इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पहले से आपने ये वीडियो देख रखा होगा, या हो सकता है आपने पहली बार देखा होगा। पर जब भी आपने ये वीडियो देखा होगा, आपके दिमाग में क्या आया होगा, या फिर एक जनरल जो पब्लिक परसेप्शन है फीमेल ड्राइवर के बारे में, लेडीज के बारे में क्या होता है कि इनको गाड़ी चलाने नहीं आता है, राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ जाती हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाती हैं, कभी पैरों से ब्रेक लगाती हैं, यही सब हम लोग सोचते हैं। और जब ये वीडियो मैंने भी पहली बार देखा था तो यही देखा था कि भाई मतलब बंदे के पास कैमरा नहीं रहता तो वो फंस जाता, फीमेल है, लड़ाई झगड़ा होता, केस हो जाता। पर जब कल अपने साथ ऐसा हुआ ना, तब मुझे लगा कि यार इस वीडियो में एक और पर्सपेक्टिव है जो जनरली हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो पिल्ले हैं इनके पास महंगी गाड़ी है, कैमरा है, यूट्यूब चैनल है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये तो अपनी वीडियो बना के डाल देते हैं, पर जो बंदा सामने गिरा है उसका पर्सपेक्टिव तो कभी पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मेरे साथ कल हुआ या एक दिन पहले हुआ था, जो मेरे साथ सेम इस वीडियो में भी उनके साथ हुआ होगा। पहले मैं अपना चीज बताता हूं, फिर मैं जो जब ये देख रहा था वीडियो बनाने के लिए, फिर जो जो चीजें मैंने देखा है सब आपको बताऊंगा, फिर देखेंगे कि कैसे धड़ल्ले से ये कितने सारे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन का धड़ल्ले से खुलेआम वायलेशन हो रहा है, पुलिस वालों के सामने हो रहा है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, और ये कैसे पुलिस वालों को भी अब्यूज करके निकल लेते हैं कई बार, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि भाई हुआ क्या था। अब हुआ क्या, कल परसों में बाइक से जा रहा था, ये चौराहा था, यहां पे एक कार वाला है, इस कार वाले को भी इधर टर्न लेना था, यहां पे पीछे एक स्कूटी वाली मोहतरमा है, इनको भी यहां पे मैं था, मुझे सीधा जाना था, मैं इधर से सीधा जा रहा था, ये भाई साहब अपना टर्न ले रहे थे, मोहतरमा भी टर्न ले थी, सडनली पीछे से एक राइडर आता है और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अपनी व्हीकल को ओवर स्पीड कर देता है, मतलब तेजी से एक्सेलरेट करता है। जैसे ही तेजी से एक्सेलरेट करता है, आपको पता ही है कि मैक्सिमम राइडर 99% राइडर ऐसे होते हैं जिनका जो एग्जॉस्ट होता है वो मॉडिफाइड होता है, अजीब तरीके की आवाज होती है, नॉर्मल कंडीशन में भी जो नॉर्मल आवाज के लिए रूल्स बना रखे, नॉर्म्स है, 80 डीबी से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, पर नॉर्मल कंडीशन में इनकी आवाज उससे ज्यादा होती है, और जब सडनली अपने व्हीकल को एक्सेलरेट करते हैं तो बहुत इरिटेटिंग आवाज निकलती है। जब आवाज आई और ये बंदा जू करके इधर से निकला, मोहतरमा इधर टर्न ले रही थी, मैडम ये घबरा गई, इनका बैलेंस खराब हुआ, ये इधर टर्न लेना था, ये इधर टर्न ली, घबरा के कि इधर से कोई निकल रहा है, अब ये जाके इधर टक्कर मार देती हैं, मैं भी इधर टर्न लेता हूं, मैं भी गिरता हूं, हालांकि सबकी स्पीड कम रहती है, एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चोट आती है, मैडम को भी चोट नहीं आती है, कार वाला भी पहले इधर जा रहा था वो भी सीधा निकाल लेता है। अब कार वाले को ऐसा लगता है कि इसके वजह से पीछे एक्सीडेंट हुआ, ये बेचारा 10 मीटर आगे जाके रुक जाता है, पर ये भाई राइडर सीधा आगे निकल जाता है तेजी से। फिर जब सब लोग खड़ा होते हैं, मैडम से पूछा जाता है, भाई आप टर्न ले रहे थे इधर क्यों टक्कर मार दी, मैडम ने बोला कि मतलब घबरा गई थी, वो जजमेंट नहीं ले पाई क्योंकि ये इतना तेजी से निकला और तेजी से ज्यादा, स्पीड से ज्यादा, इसके एग्जॉस्ट से अजीब सी तेज आवाज आई थी, इतना तेज आवाज आई कि मैडम घबरा गई कि क्या हो गया, और मैडम का बैलेंस खराब हो गया, उधर आके टक्कर मार देती है। और ये जो पिल्ले है ना, ये कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं जब कभी किसी फीमेल लड़की को देखते हैं या किसी भी इंडिविजुअल को देखते हैं, और स्पेशली फीमेल के केस में या लड़कियों के केस में, जैसे उनसे क्रॉस करेंगे अचानक से व्हीकल को एक्सेलरेट करते हैं एकदम से, बहुत तेज से आवाज आती है, इनके व्हीकल का सीसी भी काफी ज्यादा होता है, अमीर बाप के पिल्ले हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, पर इनको यही पता कि इनका बाप इतना भी अमीर नहीं है कि इन पिल्लों के लिए अलग से रोड बना के दे रखा है, रोड तो पब्लिक है, पर वहां पर भी वो ऐसी हरकतें करते हैं। अब इनके हरकतों की वजह से दूसरों का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि कल अपना हुआ। फिर जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मुझे शायद यहां पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव नजर आया कि ये मैडम टच नहीं हुई थी तो कैसे गिर गई थी, यहां पे भी हो सकता है कि ये बंदा जो पीछे था अपने व्हीकल को अचानक से एक्सेलरेट किया हो, और इतना खराब आवाज आती है, अगर कभी आपने फेस किया हो इनके व्हीकल को, इतना खराब आवाज आती है, और आवाज इसलिए इतना खराब आती है क्योंकि अपने व्हीकल को मॉडिफाई कर रखे हैं भाई, मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 52 100%
मैं बता रहा हूं 99% जो राइडर होते हैं ये सेक्शन 52 के वॉयलेशन करके खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने देखा ऐसी वीडियो जब मैं देख रहा था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला कि तुमने साइलेंसर मॉडिफाई कर रखा है। ये बहस करने लग गया कि मॉडिफाई नहीं कर रखा हूं मैं, ये है वो है। फिर पब्लिक भी क्या अजीब ही चूतिया होती है, पब्लिक भी, उसको भी कुछ नहीं पता। एक भाई साहब साइड से आ गए, पुलिस वाले को ज्ञान देने लग गए कि अगर इसने मॉडिफाई कर रखा है तो आप कंपनी में जाकर कंप्लेन करो, बच्चों को परेशान कर रहे हो, कंपनी वाले से तो लड़ नहीं सकते हो। मतलब भैया नहीं आता है तो मत ज्ञान दो यार। भाई कंपनी नहीं मॉडिफाई करके बेचती है, कंपनी तो सीएमडीआर के हिसाब से व्हीकल बना रही होती है। ये जो पिल्ले होते हैं ना, ये जाके व्हीकल अपनी मॉडिफाई करवाते हैं, इनको पता है फाइन भी क्या होता है, ओवर स्पीडिंग, डेंजरस ड्राइविंग, या मैकेनिकली फिट नहीं है व्हीकल रोड पे चलने के लिए, मैक्सिमम फाइन 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। ये खुद ही ऐसी वीडियो बना के डाल रखे हैं खुलेआम चैनल पे कि पुलिस ने व्हीकल सीज कर दिया, पुलिस पीछा करती हुई। हो सकता है कई बार वो स्क्रिप्टेड हो, लड़कियों के केस में भी कई सारे वीडियो बना रखा है इन्होंने कि ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, लड़कियों को ओवरटेक करते हुए फिर उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करके डाल रखा हो, मे बी वो स्क्रिप्टेड भी हो। पर कई बार जैसे कि कल मेरे साथ हुआ, मोहतरमा के साथ हुआ, मैडम गिर गई, वो तो स्पीड स्लो थी कि कुछ खास हुआ नहीं किसी को। तो कई बार तो ये जानबूझ के करते हैं, दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। सेक्शन 52 का वायलेशन है, पता नहीं इनको फाइन लगती है कि नहीं लगती है। सेक्शन 52 का भी वायलेशन है, डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं। 184 का वायलेशन हुआ, सेक्शन 21 का वायलेशन हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए इनका। 22 का भी वायलेशन हुआ, कोर्ट केस होना चाहिए उनके ऊपर, एक्सीडेंट होता है तो कैंसिल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि फाइन इनके लिए मैटर नहीं करती, जेल होना चाहिए, क्योंकि 184 के वायलेशन में तो 1 साल की जेल भी है, और दोबारा वायलेशन करता है 3 साल के अंदर तो 3 साल की जेल है। और ये तो 3 साल छोड़ो, ये तो हर दिन वायलेशन करते हैं, ओवर स्पीडिंग तो इनका डेली होता है, डेंजरस ड्राइविंग तो इनका डेली होता है, पर कुछ फर्क नहीं कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि अधिकारी पकड़ते भी हैं, तो अलग ही, बेटा कितने की खरीदे हो, अच्छा 10 लाख की है, अच्छा 20 लाख की है, खुद ही ड्राइव लेने लग जाते हैं। मतलब ऐसा भाव दे गए तो फिर कहां से सुधरेंगे। अच्छा एक पुलिस वाले से मैंने देखा, पुलिस वाले से बहस कर रहा है ये, पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, ये कह रहा है ओवर स्पीडिंग, वो कोई UK 07 है बाबू भैया, पता नहीं क्या एक दूसरे चैनल वाले ने डाल रखा कि बाबू भैया ने लगाया एसपी को फोन। अब पता नहीं साला भौकाल बनाते हैं कि सच में एसपी का फोन लगा देते हैं, और फिर जिसको फोन लगाते हैं वो एसपी कितना जाहिल होता है कि ऐसे लोगों की व्हीकल छुड़ाता है। और इनके इनकी व्हीकल सीज क्यों नहीं होती, इनका लाइसेंस क्यों सस्पेंड नहीं होता, ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रूफ है, इसने खुद वीडियो बना के इन्होंने डाल रखा है कि 200 की स्पीड अचीव किया, 250 की स्पीड अचीव किया, ये वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखे हैं सब, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है इनका। इनको पता ही है कि 4,000-5,000 की फाइन की कोई वैल्यू नहीं, एक वीडियो डालते हैं उसमें स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, बहुत सारे जगह इनाम दिया जा रहा है इनको बुला बुला के, पता नहीं कौन सा तीर मार रहे हैं। पुलिस वाले से लड़ रहा है कि तुम्हारे पास स्पीड गन है, तुमने कैसे देखा कि मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूं। अरे भाई क्या अपने सैलरी से स्पीड गन खरीदे हो, सुप्रीम कोर्ट कमेटी और रोड सेफ्टी कह रखी है कि सरकार को स्पीड गन देना चाहिए, अब सरकार नहीं दे रही बंदा क्या करे। और फिर उसके पास स्पीड गन नहीं है तो तुमको कौन कौन परमिशन दे देता है कि तुम ओवर स्पीडिंग करो। मतलब किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के पास कोई इक्विपमेंट की कमी है तो इसका मतलब तुमको परमिशन लाइसेंस मिल गया कि तुम खुलेआम वायलेशन करो। कई सारे वीडियो में आप देखोगे कि पेडिस्ट्रियन पे लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं और ये एकदम ऐसे जू जू करके चला रहे हैं और उसको रिकॉर्डिंग करके डाल भी रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। दे डिजर्व टू डाई, भाई ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तुम्हारी गलती है, तुम मरो, पर इनके वजह से दूसरे लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। जब मर जाएंगे तो घर वाले कहेंगे कि अरे मेरा बच्चा तो ओवर स्पीडिंग नहीं करता था, जब बच्चा वीडियो बना रहा है कि 250 की स्पीड अचीव हो रही है तब नहीं दिख रहा है कि 250 की स्पीड अचीव हो रही है, किसी दिन मरेगा कि नहीं मरेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी इन्फोर्समेंट में आपकी ड्यूटी है तो प्लीज इनके साथ में कोई सहानुभूति मत दिखाना। मतलब एटलीस्ट ये 52 का तो वायलेशन करते ही करते हैं, व्हीकल तो इनकी मॉडिफाई होती ही होती है, रेट्रोफिटिंग तक की परमिशन नहीं है भाई। रेट्रोफिटिंग के लिए अगर कुछ लाइट फिट करवा लेते हैं अलग से कि मतलब सामने वाले पे लाइट जला दें तो उसको सामने वाले को दिखेगा नहीं, परमिशन लेना होता है उसके लिए भी। सरकार ने केवल इंजन मॉडिफाई करने की परमिशन दे रखी है, पर ये उसके नाम पे
चेसिस मॉडिफाई कर देते हैं, एग्जॉस्ट मॉडिफाई कर देते हैं, टेम्पररी लाइट लगा देते हैं, टेम्पररी हॉर्न लगा देते हैं, किसी चीज की परमिशन नहीं है, खुलेआम वायलेशन है, पर कोई नहीं पूछने वाला। तो बस आप कभी पकड़ो ना, इस चैनल पे जितने लोग हैं, अगर आप कभी पकड़ते हो तो एटलीस्ट 52 में तो डालना ही डालना, क्योंकि उसका वायलेशन तो ये करते ही करते हैं, क्योंकि भाई ये एक्सीडेंट कर देंगे, इनके वजह से दूसरे की फैमिली उजड़ जाएगी, क्योंकि इनको अगर इतना भाव देंगे ना तो ये एक्सीडेंट करेंगे और इनके वजह से दूसरों की फैमिली उजड़ जाएगी। इनकी उजड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम गलती कर रहे हो तुम भुगतो, तुम्हारी फैमिली नहीं रोक रही हो, तुम्हारी फैमिली भुगते, क्योंकि तुम्हारे फेमस होने का, तुम्हारे पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, तुम मरोगे उनको दुख नहीं होना चाहिए, दूसरों को क्यों होगा, पर दूसरे क्यों भुगते तुम्हारी गलतियों को। बाइक की मैक्सिमम स्पीड 80 दे रखी है सरकार ने ड्राइविंग रेगुलेशन के हिसाब से, पर इनकी स्पीड तो मिनिमम 80 होती होगी मुझे लगता है। कई जगह तो मैं देखा हूं, एक वीडियो मैंने देखा है, स्कॉर्पियो से पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं और ये बंदा भगा रहा है और अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है कि पुलिस ने आज पकड़ के व्हीकल सीज कर दी। इतने ढीठ है, इतने ढीठ, अमीर बाप के पिल्ले हैं, इधर उधर से फोन करवाते हैं, तो ऐसे लोगों का तो चालान बनता ही बनता है, कभी आप पकड़ो छोड़ना ही नहीं है। और ये जो बगल से ज्ञान देने आ जाते हैं ना कि ये फेमस है, चलो इनके कैमरे में आके हम भी फेमस हो जाए, मत दो भैया ज्ञान, नहीं पता है तो कि कंपनी वाले को फोन करो, फलाने को फोन करो, इनको क्यों बोल रहे हो। पुलिस वाले तो बेचारे अपना काम करे तो गाली खाना है, नहीं करे तो गाली खाना है, तो एटलीस्ट करके खाओ, अच्छा करके खाओ, कम से कम सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि हमने ठीक किया है। और इनके साथ तो क्या हो रहा भाई पता नहीं है, तो खुलेआम वायलेशन करते हैं, पर कोई पुलिस नहीं, कोई आरटीओ नहीं, कोई पूछ नहीं रहा इनको। कभी कोई पूछा तो 4,000 रुपए की फाइन लगा दिया, 1,000 रुपए की मिनिमम फाइन है, क्या फर्क पड़ जाएगा, 1,000 रुपए की फाइन देके छूट जाएंगे, 5,000 की फाइन है मैक्सिमम। पर जब तक इनके ऊपर वो इंप्रिजनमेंट नहीं लगेगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है, डीजल कैंसिल नहीं होगा तब तक नहीं सुधरेंगे। और सारे राइडर्स का यही हाल है, हो सकता है आप भी भुक्त होगी, और स्पेशली जब ये ओवरटेक करते हैं तब वही बदमाशी करते हैं ये, कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अजीब से एक्सेलरेट कर देंगे अपने व्हीकल को, एकदम जूम करके निकलेगी गाड़ी इनकी, कि आदमी घबरा सजा के अचानक से क्या हो गया, मतलब जो कई बार देखा है शायद वो ना घबरा, पर जो जो पहली बार फेस करेगा वो तो घबरा ही जाएगा अचानक से, और उसका जजमेंट खराब होगा, बैलेंस खराब होगा, गिर जाएगा। तो ऐसी हालत है इनकी, तो आप कभी पकड़ो तो मत छोड़ना इनको, बाकी भाई आपकी मर्जी, हम तो कही सकते हैं। और मेरा तो इतना फ्रस्ट्रेशन है ना कि वो बंदा मिला होता ना तो मतलब मैं तो पीटा होता, और शायद वो मुझसे तगड़ा रहा होता तो मुझे पीट दिया होता, इसमें कोई वो नहीं है, पर शायद मैं मार खा के भी सेटिस्फाई होता कि एटलीस्ट एक्शन तो लिया, मतलब वो जो दिल का वो रह गया ना, मतलब टीस रह गई वो निकल जाती, चाहे मार खा के चाहे मार के, पर वो भी नहीं कर पाए, निकल गया वो जूम करके, जब तक हम खड़ा होते पता नहीं कहां गया, इतना तेज स्पीड होती है, निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हालत है इनकी, तो होप सो कि अगर आप इन्फोर्समेंट में हो तो इनके साथ कोई दया नहीं दिखाओगे, और अगर आप पकड़ते हो तो जितने सारे सेक्शंस लगते हैं उतने सारे लगाओ इनके ऊपर। बाकी आप भी कभी इनके हरकतों के भुक्तभोगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।